सेंटर के बारे में मुझे एक लेडी ने लेटर दिया था, तो मेरे हस्बैंड और मैं आए यहाँ पे। फिर उन्होंने हमें सेंटर के बारे में बताया, सब कुछ दिखाया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट मैंने इंटरेस्ट लिया सिलाई में। फिर मैं मैम से मिली, मैम ने मुझे उसके बारे में जानकारी दी कि यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सूट सलवार सिला, पैंट प्लाजो, एक से एक जो फैशन में आ रहे हैं वो हमने कपड़े सीखे, मतलब अलग अलग किस्म के कपड़े बनाए हमने और अलग अलग डिजाइन के, और उससे हमें इतना फ़ायदा हुआ कि आज हम अपने कपड़े अपने आप खुद सिल रहे हैं। इंग्लिश में बोलना, किसी से बात नहीं करनी आती थी, हम घबराते थे, और ईमेल हमें कुछ भी नहीं आता था, एक लेटर भी हम किसी को नहीं दे सकते लिख के। व्हाट्सएप चल रही है आजकल, इतना दौर चल रहा है, हमें शर्म आती है कि कुछ भी नहीं लिख के भेज सकते हम मोबाइल के द्वारा। सर ने हमें उसके बारे में जानकारी दी, ईमेल आईडी सिखाई, और एटीएम से पैसे निकालने, किस तरह पैसे निकालते हैं उन्होंने काफ़ी जानकारी दी। उससे हमें इंग्लिश भी बोलना है, हिचक जो होती थी हमने वो भी हमारी निकल गई, और फ्री माइंड एकदम हम सीखने लगे। अगर मैं कुछ इंग्लिश में बोल देती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ये कहाँ से सीखा आपने, तो मैं बोलती हूँ कि हमारे वहाँ पे सीखते हैं, और मेरे हस्बैंड भी ये बोलते हैं ये तुझे कैसे पता है। जो लेडीज़ घर में रहती हैं, हाउसवाइफ बन के रह गई हैं, उनको ये बोलती हूँ कि अपनी जिज्ञासा जगाओ, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप सिलाई सेंटर में आओ, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कि जो आपको हिचक है ना, जो डर है आपके अंदर, वो यहाँ पर सब बाहर निकल जाएगा, और आप आओ सीखो, अच्छा लगेगा, अपने कपड़े खुद वो बनाने लगेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इस ट्रेनिंग के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा साथ में, और इसको हम ऑल इंडिया में कहीं भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो हमें एकदम जॉब दे सकते हैं, और घर बैठे भी हम इस काम को कर सकते हैं। और मैं मोदी जी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी है, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कौशल भारत, कुशल भारत, जय हिंद।